इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक, बीते कई महीनों से इलेक्ट्रिक अपनाओ और दुनिया बचाओ की भावना से हमें बताया जा रहा है कि पोल्यूशन हमारे लिए खतरा बन चुका है और इससे बचने के लिए हमें पेट्रोल डीजल को छोड़ इलेक्ट्रिक को अपनाना है। बात सच है, पेट्रोल डीजल पोल्यूशन करते हैं और ये सीमित भी हैं, यानी अगर हम इनका साथ नहीं भी छोड़े तो भी कुछ समय में इनको खत्म हो जा रहा है। लेकिन मुद्दा है इलेक्ट्रिक, क्या इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल डीजल वाहनों का विकल्प बन सकते हैं? आप कहेंगे भैया रोज तो आप अपने चैनल पर इलेक्ट्रिक के गुणगान करते रहते हो, फिर आज पलट कैसे गए? देखिए बुराई इलेक्ट्रिक अपनाने में नहीं है, बुराई है ग्राहकों को दी जा रही खराब क्वालिटी में। इलेक्ट्रिक वाहन हमारे भविष्य की जरूरत है, लेकिन किस कीमत पर? हाल में खबर आई थी कि सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी को रोक दिया है। अब खबर आ रही है कि सरकार के रोक लगाने के बाद क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इन दोनों कंपनियों को नकारात्मक प्रभाव के साथ इन पर नजर रखने की बात कही है। इसलिए सवाल उठता है, लेकिन क्यों? क्या ये कंपनियां सरकार के बनाए किसी नॉर्म का उल्लंघन कर रही हैं, या फिर मामला कुछ और है? अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का आप मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी हो जाती है। चलिए जानते हैं आखिर चल क्या रहा है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा कंपनी को सब्सिडी लाभ देने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने इन कंपनियों के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की जांच के लिए नोटिस भेज दिया है। लेकिन आखिर ये जांच हो किस चीज की रही है और क्यों? दरअसल सरकार मेड इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा देना चाहती है, मतलब जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भारत में ही बने हों, इस चीज पर सरकार जोर दे रही है। फिलहाल इन कंपनियों की जो जांच चल रही है उसका मकसद भी यही है क्योंकि ये दोनों कंपनियां मिलकर एक महीने में लगभग 17,000 यूनिट्स बेच देती है। ये नंबर काफी बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि 17,000 यूनिट के लिए पुर्जों का निर्माण क्या स्थानीय स्तर पर ही हो रहा है? और ये सवाल उठ इसलिए भी रहा है क्योंकि सरकार मेड इन इंडिया मुहिम के तहत भारत को बूस्ट करना चाहती है, इसलिए कंपनियों से भी कहती है कि ये ज्यादातर उन्हीं उत्पादों का इस्तेमाल करें जो भारत में तैयार किए गए हों। साथ ही ये मामला इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये कंपनियां फेम 2 योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का लाभ भी उठा रही हैं। फेम 2 योजना वही है जिसके तहत इन कंपनियों के स्कूटर्स खरीदने पर ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है, यानी स्कूटर अपनी एक्चुअल कीमत से सस्ते में ग्राहक को मिलता है। इसका फायदा ग्राहक के साथ साथ कंपनी को भी होता है क्योंकि प्रोडक्ट पर सब्सिडी होने से ग्राहक इन कंपनियों के प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगते हैं और कंपनी की सेल बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर ये कंपनियां भारत में बने पुर्जों का इस्तेमाल किसी भी कारण से अपने प्रोडक्ट में नहीं करती हैं और बाहर से इंपोर्ट करे हुए पुर्जों का इस्तेमाल करती हैं तो इसके दो बड़े नुकसान हैं। एक तो सीधा सा है, मेड इन इंडिया मुहिम को गहरी चोट पहुंचती है, और दूसरा बड़ा नुकसान है आपकी हमारी सेफ्टी का समझौता, मतलब कंपनी पैसे की बचत के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता कर रही हो तब आपकी सेफ्टी भी खतरे में आ जाती है। इसका उदाहरण आप हाल में कई इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगी आग से लगा सकते हैं। लोग इन कंपनियों के प्रोडक्ट धड़ल्ले से खरीद भी रहे हैं, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जुलाई 2022 की सेल रिपोर्ट अगर देखें तो हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी ने पिछले महीने कुल 8,953 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर दी। इसके बाद ओकिनावा ऑटोटेक ने 8,093 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल कर डाली एक ही महीने में, जो कि 213% की सालाना बढ़ोतरी को दर्शाता है। यानी कंपनियों की सेल काफी अच्छी है, लेकिन पुर्जे क्या वो भारतीय हैं या फिर किसी और देश में जैसे कि चाइना से बनकर आ रहे हैं? ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक ये जांच जारी रहती है। खैर फिलहाल जांच चल रही है और अभी तक ये साफ हुआ है नहीं कि हीरो और ओकिनावा किसी नियम का उल्लंघन कर भी रहे हैं या नहीं, इसलिए इन्हें अभी कैटेगरी में खड़ा करना सही नहीं। लेकिन सवाल तो उठते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं।